हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं HTML के CSS के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं CSS क्या है। ठीक है, CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। हम CSS HTML में यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे HTML पेज को स्टाइलिंग कर सकें, उसे कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर सकें। जैसे कि इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा है, हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था, जो CSS का एट्रीब्यूट है वो हमने HTML में यूज़ किया था, क्योंकि हम कुछ एलिमेंट्स को या कुछ टैग्स को स्टाइल्स कर सकें, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे HTML में CSS कैसे यूज़ होता है। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि HTML के एलिमेंट्स पेपर पे, स्क्रीन पे या किसी और मीडिया पे कैसे, किस तरह से दिखाई दे। ठीक है, CSS जो है हमारा बहुत सारा काम हल्का कर देता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि मल्टीपल पेजेस एट अ टाइम हम स्टाइल कर सकें, तो उसके लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। CSS जो है वो HTML में हम तीन वैसे यूज़ करते हैं। पहला है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल और तीसरा है एक्सटर्नल। इनलाइन CSS हम HTML में यूज़ करते हैं बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। हम जब भी किसी टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो हम इनलाइन CSS से, हम उसे इनलाइन CSS कहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले देखा है, हमने यूज़ किया था HTML में स्टाइल एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूँगी HTML, यहाँ पे मैं HTML एंड कर दूँगी। ठीक है, इसे सेव कर लेते पहला। यहाँ पे मैं लिख दूँगी स्टाइल डॉट HTML। ठीक है, यहाँ पे मैं लूँगी बॉडी टैग। और इसमें मैंने लिया था H1 स्पेस स्टाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिखा था सपोज कलर, जो कि हम यूज़ करते थे टेक्स्ट कलर के लिए, और लिखा था रेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो टेक्स्ट था। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। देखिए ये जो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया है हम इसे इनलाइन CSS कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनल CSS। जो ये इंटरनल CSS जो है वो हम स्टाइल नाम का टैग यूज़ करते हैं, जो कि हेड सेक्शन में आता है। जब भी हम हेड सेक्शन में स्टाइल टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी देते हैं तो उसे हम इंटरनल CSS कहते हैं। और लास्ट है एक्सटर्नल CSS, यानी कि मेरी एक CSS की फ़ाइल होगी जो मेरी एक्सटर्नली सेव होगी .css एक्सटेंशन से, और उसे मैं मेरे HTML में इंक्लूड करूँगी, तो उसे हम एक्सटर्नल CSS कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS को हम HTML में किस तरह अप्लाई करते हैं ये हमने अभी देखा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था H1 स्पेस स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल इज इक्वल टू CSS की प्रॉपर्टी और CSS की वैल्यू। ये है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS से हम यूनिक स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट को। यहाँ पे मुझे H1 को स्टाइल अप्लाई करना था तो मैंने यहाँ पे H1 के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट ले लिया। सपोज मुझे अगर P टैग के लिए कुछ स्टाइल अप्लाई करनी हो तो यहाँ पे मैं लूँगी P स्टाइल इज इक्वल्स टू, सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे लिख दूँगी येल्लो। ओके, तो ये हो गई मेरी CSS प्रॉपर्टी जो मैंने P टैग के लिए यूज़ की है। ठीक है, देखिए इसे हम कहेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS हम अगर किसी एक एलिमेंट को स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इनलाइन CSS जो हमने अभी यूज़ किया उसके लिए हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था। ठीक है, उसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार।
देखिए यहाँ पर, मेरे h1 को जो है कलर css प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, और यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड कलर css प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इंटरनल css। इंटरनल css यानी कि जब हम हेड सेक्शन में स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं तब हम उसे इंटरनल css कहते हैं। इंटरनल css जो है हम वो हमारे पूरे पेज को स्टाइल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया तो मैंने सिर्फ एक एलिमेंट को स्टाइल किया था, लेकिन अगर मुझे मेरे पूरे पेज को अगर स्टाइल करना हो तो मैं उसके लिए इंटरनल css यूज़ करूँगी। जैसे कि मेरे पास सपोज़ पी टैग्स मल्टीपल है और मुझे हर टैग को एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मैं इंटरनल css यूज़ करूँगी। इंटरनल css के लिए हम html के अंदर हेड सेक्शन लेते हैं, हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं यूज़ करूँगी स्टाइल, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं है, ये है टैग। और ये स्टाइल टैग के अंदर मैं मेरे पी टैग को अभी स्टाइल दूँगी। मैं अभी जब भी मैं यहाँ पे पी टैग को स्टाइल दूँगी तो मैं कुछ इस तरह से दूँगी, मैंने मेरे एट्रीब्यूट का नाम लिखा यानी कि मेरे एलिमेंट का नाम लिख दिया, उसके बाद मैं दूँगी कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर मैं लिख दूँगी सपोज़ मुझे चाहिए उसके टेक्स्ट का कलर, मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सपोज़ मैं यहाँ पे लेती हूँ ब्लू, और मुझे उसके फॉन्ट का साइज़ भी चेंज करना है, फॉन्ट साइज़ चेंज करना है मुझे, मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ करूँगी 100 पिक्सल। इसे सेमी कॉलन से एंड करते हैं, देखिए हर प्रॉपर्टी को हम सेमी कॉलन से एंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेरा कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट कर दूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्टाइल एट्रीब्यूट लिया है, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हमने पी टैग को स्टाइल्स अप्लाई की है, जैसे कि मैंने CSS की स्टाइल अप्लाई की है कलर ब्लू और यहाँ पे फॉन्ट साइज 100 पिक्सल कर दिया। यहाँ पे मैंने एक ही पी टैग के लिए स्टाइल अप्लाई करनी थी तो मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था, अब मुझे मल्टीपल पी को अप्लाई करनी है। मैं यहाँ से ये निकाल देती हूँ, ये मेरा पहला पी है जिसमें मैं लिख दूँगी टेक्स्ट 1। मैं और एक पी लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं पी टैग लिख देती हूँ और उसमें लिखती हूँ टेक्स्ट 2। यहाँ पे पी कंप्लीट करती हूँ और थर्ड पी लिख देती हूँ और उसमें लिखूँगी मैं टेक्स्ट 3। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसे एक बार रन करके देखते हैं। देखिए मेरे हर पी टैग को मेरी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटरनल CSS यूज़ किया क्योंकि हमें पूरे पेज के हर एक एलिमेंट को अगर स्टाइल अप्लाई करना हो तो हम इंटरनल CSS यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंटरनल CSS में ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। हम सिलेक्टर्स इसलिए यूज़ करते हैं, अभी हमने देखा हमने अगर यहाँ पे पी टैग लिखा और पी टैग को प्रॉपर्टी अप्लाई की तो हर पी टैग को ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अगर मुझे इस पी टैग को अलग प्रॉपर्टी और इस पी टैग को अलग प्रॉपर्टी देनी हो तो मैं यहाँ पे सिलेक्टर्स यूज़ करूँगी, या तो मैं आईडी सिलेक्टर यूज़ करूँगी या फिर क्लास सिलेक्टर। पहले देखते हैं क्लास सिलेक्टर क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख दूँगी .p1। ये .p1 जो है इसे हम क्लास सिलेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद लिख दूँगी .p2 और यहाँ पे और एक मेरी प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूँगी, सपोज़ मुझे कलर चाहिए, यहाँ पे कलर में यहाँ पे लूँगी रेड और यहाँ पे मेरा फॉन्ट साइज लूँगी 50 पिक्सल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे इस पी टैग के लिए,
P1 का स्टाइल अप्लाई करना है और इस P टैग के लिए मुझे P2 का स्टाइल अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी P स्पेस देके क्लास, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँगी क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन में मैं लिख दूँगी P1। यहाँ पे मैंने क्लास P1 यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी क्लास इज इक्वल्स टू P2, ठीक है। यह है क्लास P1 और यह है क्लास P2। तो इस P टैग को मेरी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और इस P टैग को मेरे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इसे सेव करके हम फिर से एक बार हमारा पेज रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए, इस P को तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई और इस P को, सॉरी, क्लास P2, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये इसलिए नहीं अप्लाई हो रही है क्योंकि क्लास सिलेक्टर हम जब भी यूज़ करते हैं तो सिर्फ वो एक ही टैग को अप्लाई होता है, इसलिए हम इसके अलावा आईडी सिलेक्टर यूज़ करते हैं। आईडी सिलेक्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम मल्टीपल टैग्स को या एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सके। सपोज़ मैं यहाँ पे P1 नाम की आईडी क्रिएट करती हूँ, जैसे मैं #P1 लिखूँगी, मेरी या #P1 नाम की आईडी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे लिख दूँगी #P2, ठीक है, ये #P2 नाम की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दूँगी क्लास की बजाय आईडी, ओके, इसे हम क्लास ही रखते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ मैं क्लास P2 लूँगी, यहाँ पे आईडी P1 लूँगी। हमारे पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए, ये जो आईडी है वो अप्लाई हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपके आने वाले वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू।